नारी तू क्या देखती है, क्या क्या बेटा हे नारी क्यों रोती है, क्यों रोती है? उसने उससे कहा, तब उसने उससे कह दिया, मेरे प्रभु को उठा ले गए। अरे मेरे बेटे को मेरे प्रभु को कौन उठा के यहाँ से लेके गया है? अब वो नारी बोलती है, कौन वो? कौन वो? मरियम। मरियम ने बोल दिया कि मेरे जो मेरा प्रभु था, लेकिन मेरे प्रभु यहाँ रखा गया था, लेकिन मेरा प्रभु कहाँ गया है यहाँ से? हाँ ले गए, और मैं नहीं जानती, मैं नहीं जानती कि उसने कहाँ रखा है, उसको कहाँ रखा है, मैं नहीं जानती हूँ। हाँ यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। जोर की तारीफ करें यहाँ, हालेलुया, जोर की तारीफ करें यहाँ। देखिए प्रभु का चमत्कार। तब उसी वक्त उस नारी ने क्या किया, पीछे मुड़कर देखा और क्या देखा, कौन खड़ा था वहाँ? यीशु जिंदा हो गया आपके लिए, तीसरे दिन जिंदा हुआ हूँ। क्योंकि उसने लिखा कि मैं इस मंदिर को डाल दूंगा जहाँ आराधनालय के अंदर खड़ा खड़ा प्रचार कर रहा है। उसने कहा मैं मंदिर को डाल दूंगा, तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा, लेकिन उसने अपने शरीर के लिए बोला था। क्या उसने तीसरे दिन क्या कर दिया, अपने आप को जिंदा कर दिया। आज भी वो जिंदा है आपके लिए, हालेलुया। तब लिखा है हाँ, और बहने पहचान सकी कि यह यीशु है। अब क्या था, पीछे मुड़ के देखा यीशु खड़ा है, लेकिन वो पहचान नहीं सकी मरियम। हाँ यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उससे बोल दिया, हे नारी, हे नारी, हाँ हे नारी तू क्यों रोती है? तब यीशु ने क्या बोला, उसको माँ नहीं बोला है, यहाँ देखने की बात है। जब मरियम उसके कोख से जन्म लिया यीशु ने, और जब वो नारी उसके पास गई, मरियम उसके पास गई, लेकिन उसने उसको क्या बोला कि हे नारी तू क्यों रोती है? हाँ तू किसको ढूंढती है, तू किसको खोज रही है? उसने मालिक समझकर उससे कहा, अरे रे रे, अब क्या हुआ? अरे वो यीशु को क्या समझा उसने, माली, माली समझ लिया, क्योंकि पीछे देख रहा है वो फूलों के बगिया में घूम रहा है सुबह 3 बजे। जोर की तारीफ, हालेलुया, वो फूलों के बगिया में घूम रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर मरियम ने देखा कि हे माली मेरा बेटा था या मेरा प्रभु था, लेकिन कहाँ गया, कहीं तूने तो नहीं छुपा लिया? तब महाराज, हे माली, यदि तूने मेरे बेटे को या तू मेरे प्रभु को उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है, तो उसको कहाँ रख दिया तूने निकाल कर? अब कितने दोष लगाने लग रही है उसके ऊपर, लेकिन उसको अभी भी नहीं पहचाना उसने। आज मेरे बच्चे क्यों नहीं पहचानते? जब आपको जान चुके कि परमेश्वर एक है, प्रभु एक है, पवित्र आत्मा एक है, फिर भी आप अंधे हो, अंधे। यहाँ देखिएगा, यहाँ में क्या बता रहा है, ये वचन में क्या सचेत कर रहा है। जब मरियम उसको पहचान चुकी, आज आप पहचानते नहीं हो, जिस दिन आप पहचानोगे प्रभु को, सत्य बता रहा हूँ, आपकी हरी बीमारियां चली गई यीशु के सामने। जिस दिन आप पहचान लोगे कि हाँ परमेश्वर मेरे लिए जान दी है, वो मेरे प्रभु है, लेकिन सत्य बता रहा हूँ, उसके कोई घर में बीमारियां नहीं रहेगी, आपके शरीर में बीमारियां नहीं रहेगी। तब उस नारी ने उसको पहचाना नहीं, तब उसे कहाँ रखा है कि मुझे बता उसको कहाँ रखा है, और मैं उसे ले जाऊंगी, कि मैं उसको ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, तब यीशु ने उसको बोल दिया, मरियम, मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में रबुनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू। जोर की तारीफ करें। तब उसने बोल दिया इब्रानी भाषा के अंदर, क्या बोला उसने? रबुनी, जबुनी, रबुनी, रबुनी, रबुनी बोल दिया। उसने बोला रबुनी का मतलब था हे गुरु। अब क्या था कि उसको वो पहचान लिया परमेश्वर को कि हाँ यही है यीशु, क्योंकि उसने जिंदा देख लिया, फिर विश्वास हुआ उसका। तब बोली हे गुरु, जैसे उसने पांव को हाथ लगाना था, तब उसने बोला हे नारी मुझे मत छू। उसने बोल दिया कि हे नारी मुझे मत छू। तब क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, अब तक मैं पिता के पास नहीं पहुंचा, परंतु मेरे भाइयों के पास
मिशनरी को बोल दिया कि जाओ मेरे चेलों को बोल दो सुसमाचार फैला दो कि मैं आदमी जिंदा हूँ। जोर की तारीफ करें। आज आप विश्वास रखिए परमेश्वर जिंदा है आदमी। आज वो बहुत बड़े बड़े चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, लेकिन आपका विश्वास होना चाहिए प्रभु के ऊपर, पक्का विश्वास करके जाए। तब उसने बोला कि चेलों को बोल दो जाकर कि मैं जिंदा हूँ। हाँ, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया। हाँ, मैंने प्रभु को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। आमीन 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 आमीन। तब याद देखिएगा प्रभु का हम अगले वचन में चलेंगे। इसी के अंदर 21-22। हाँ, यीशु ने फिर उससे कहा। तब यीशु ने कहा, तब वो जिंदा हो चुका है, आज भी वो जिंदा है। तब यीशु ने उसे बोल दिया, शांति मिले, तुम्हें शांति मिले है। हालेलुया, आज भी शांति का राज।